आज हिंदुस्तान में एक आम इंसान जिसकी सैलरी होती है 10 से 15 हजार रुपए, 10 से 15 हजार रुपए, और अगर देखें तो किन किन लोगों को मैंने आम इंसानों के अंदर रखा है, एक मजदूर भी 10 से 15 हजार कमाता है, एक ग्रेजुएट एजुकेटेड एमए बीएड जितनी डिग्रीज कर रखी उसने, उसकी सैलरी कितनी होती आम आदमी की देखें तो 10 से 15 हजार होती है। और इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि वो हार्डवर्क करके 10 से 15 हजार कमाते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करके हम 1 लाख रुपए महीना भी पॉसिबल है। यस, 1 लाख रुपीज, इट्स पॉसिबल स्मार्ट वर्क करके, क्योंकि हार्ड वर्क करके शरीर को आप कितना भी यूज करके दिन का 500 रुपए कमा सकते हो, महीने के 15 हजार कमा सकते हो, लेकिन इस दिमाग को यूज करके आप कितनी भी कमाई कर सकते हैं। लोगों ने लाखों रुपए महीना भी कमाए, करोड़ों रुपए महीना भी कमाए, और बहुत सारे लोग अरबों रुपए महीना भी कमा रहे। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर वर्किंग विथ स्मार्ट, स्मार्ट वर्क कर रहे हो देन डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। वैसे 1 लाख रुपए एक बड़े पद अधिकारी की, फर्स्ट ग्रेड की टीचर की भी नहीं होती, बहुत सारे लोगों की, बहुत हाई रैंक के पुलिस ऑफिसर की, तो 1 लाख रुपए आसान नहीं होता। एक चीज सोचिए, 10 से 15 हजार में कमाने वाले अगर 7 से 10 बंदे होंगे, उतनी उन 7 से 10 बंदों की सैलरी सिंगल आप कमा रहे हो, तो काम थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ और चीजें लगेंगे, कुछ और पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ अलग फंडामेंटल फॉलो करने पड़ेंगे, तभी पॉसिबल है। तो क्या क्या चीजें फॉलो करनी है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इन चीजों को सीरियसली फॉलो कर लोगे तो लाइफ में बदलाव आ जाएगा, जिंदगी में चेंज आ जाएगा, और जो आपके सपने हैं डेफिनेटली पूरे होंगे। तो एक्शन प्लान स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इस एक्शन प्लान को फॉलो करके आपके चेंजेस आने वाले हैं। एक्शन प्लान इज वेरी सिंपल, मैं आपको सिंपल से सिंपल एक्शन प्लान देने वाला हूं जिससे ये जो हमने सोचा है 1 लाख रुपीज खर्च करने का, ये पॉसिबल है। आज आपने स्टार्ट किया हो आपके लिए भी पॉसिबल है, या आपको 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके लिए पॉसिबल नहीं, फॉलो कर रहे हो आपके लिए पॉसिबल है। कोई मैटर नहीं करता आपकी एज क्या, आपकी एजुकेशन क्या है, आप किस कैटेगरी में आते हो, आपकी जात पात क्या है, जेंडर क्या है, लड़की हो लड़के हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो डेफिनेटली आप कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट आता है, आपको 10 लीड जनरेट करनी एवरी डे। आपका पहला गोल क्या होना चाहिए, 10 लीड ए डे, 10 लीड जनरेट करनी है तो करनी है। आज का गोल क्या है, 10 लीड जनरेट करनी है। सर कितनी लीड, 10 लीड, आपका काम चलेगा। उसके बाद दूसरा, आपके 10 लीड जनरेट हो गई, दूसरा उन 10 लीड को आपको प्लान शेयर करना है, अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, आपको बिजनेस बताना है, काम के बारे में बताना है कि क्या काम है, क्या आप करते हो, वो चीजें शेयर करनी है। तो फर्स्ट एक्शन प्लान के 10 लीड जनरेट करो, सुबह कर लो, शाम को कर लो, कोई मैटर नहीं करता, दिन में कभी भी करो, मैं पूरी फ्रीडम देता हूं। कोशिश करो सुबह के टाइम आप लीड जनरेट कर लो, और सुबह के टाइम से ही प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर दो, उनको अपॉर्चुनिटी शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिससे काम बनता जाएगा। तो 2 पॉइंट हो गए, 10 लीड जनरेशन, 10 प्रेजेंटेशन या अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। थर्ड पॉइंट, मैं बहुत सिंपल सिटी के साथ आपको बता रहा हूं, फॉलोअप करना, आपको 10 लोगों का ही फॉलोअप करना है, 10 फॉलोअप एवरी डे। आपने 10 जो जनरेट किए, उनको प्रेजेंटेशन भी दिखाया और उनका फॉलोअप भी कर दिया, और इसी सर्कल को आपको रिपीटेड करना एवरी डे। अगर आप 30 डेज करते हो इसी सर्कल को, तो आपके 30 डेज में कितनी लीड जनरेट होगी, 300, कितने प्लान शेयर होंगे, प्रेजेंटेशन कितने लोगों को शेयर करोगे, 300, कितने लोगों का फॉलोअप होगा, 300। तो हमने टोटल 300 लोगों को अच्छे से प्लान शेयर किया, उनको फॉलोअप भी कर दिया, तो इसका लो फेवरेज जरूर निकलेगा। हमने लो फेवरेज में सीखा था 20% मिनिमम आता है, अगर आपने अच्छे से मेहनत की, कॉन्फिडेंट रहे, 20% आता है। तो 20% के हिसाब से कितना होता है, 60 सेल, और 60 सेल से आप कैलकुलेट करो कि कितने रुपए होते हैं, आई थिंक 1 लाख के आसपास होते हैं। तो आपका इस तरीके से 1 लाख रुपीज अचीव हो सकता है। ये थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल कब होगा, अब मैं जो पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर आपने उनको फॉलो किया तब ये प्रैक्टिकल हो सकता है, वरना आपके लिए थ्योरी रहेगी, थ्योरेटिकल रहेगी। क्योंकि इस दुनिया में किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है। वो मेहनत करते हैं फिर 10 से 15 हजार कमाते हैं, आप 1 लाख कमाओगे, तो कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ डिफरेंट क्वालिटीज होनी चाहिए। 1 बाय 1 सारी चीजें सीखते हैं। क्वालिटी नंबर 1, बिलीव ऑन योर सेल्फ।
सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे बिलीव होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के साथ प्रेजेंटेशन कर रहे हो, किसी को अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो, किसी की लीड जनरेट कर रहे हो, किसी का फॉलोअप कर रहे हो, अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा तो आपके साथ कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, कोई नहीं ज्वाइन करेगा। क्योंकि जिसको खुद पे विश्वास होता है, डेफिनेटली हर कोई बोलता है यार इसको इतना कॉन्फिडेंस है, डेफिनेटली आई शुड ज्वाइन, वो ज्वाइन करेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, आप पे आत्मविश्वास होना चाहिए आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? ऑनेस्ट विथ योर वर्क, काम के साथ ईमानदारी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, काफी लोग कॉन्फिडेंस रखते हैं लेकिन ईमानदार नहीं होते अपने काम के लिए, बेईमानी कर लेते हैं, कभी कभी आलसी हो जाते हैं, ईमानदारी के साथ वो मेहनत नहीं करते हैं। ईमानदारी के साथ मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सो बी ऑनेस्ट फॉर योर वर्क। थर्ड पॉइंट, कंसिस्टेंस, जो भी आपने डिसाइड किया ना उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना है आपको। अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप नहीं करोगे तो रिजल्ट आएगा कैसे? कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोई काम को अगर लगातार करते हैं, हमने पढ़ा था ना पत्थर पे बने निशान, अरे कंसिस्टेंसी पत्थर पे निशान बना सकती है तो आपका रिजल्ट बना ही देगी, डेफिनेटली बनाएगी। सो थर्ड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। फोर्थ पॉइंट, ब्रेक योर रिकॉर्ड। जो आपने रिकॉर्ड बनाया, जो आपने लिमिट सेट की कि मैं 10 लीड निकाल सकता हूं उसको 11 करो, ऑलवेज ब्रेक योर लिमिट। आपने अपनी लिमिट को ब्रेक कर दिया, अपने रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया तो सच बता रहा हूं आपका रिजल्ट अनबिलीवेबल होगा और जो ड्रीम आपने लिया है, इस वीडियो का जो पर्पज है वो पूरा हो जाएगा। ब्रेक योर लिमिट, जिस लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो रिजल्ट भी क्रॉस हो जाएगा, आपका ग्राफ भी ऊपर जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, वर्क फॉर डेली गोल। आपने मंथली गोल बनाया होगा, ईयरली गोल बनाया होगा, लेकिन आपको जो काम करना है वो डेली गोल के लिए करना है। हर रात को शाम को सोने से पहले आपको गोल बनाना है, कल मुझे क्या करना है, व्हाट इज योर माय गोल फॉर टुमारो बनाना है और उस पर वर्क स्टार्ट करना है। डेली गोल पे आपको काम करना है तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ये पॉइंट डेफिनेटली फॉलो कर। सिक्स पॉइंट, प्रायोरिटी ऑफ योर बिजनेस। अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देनी है, अगर आप बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो आपको कुछ भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, बिजनेस को प्रायोरिटी देना ही देना है। सो बिजनेस को प्रायोरिटी दोगे तो बिजनेस में धीरे 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 रिजल्ट बहुत तेजी से बढ़ने वाले। एंड लास्ट पॉइंट और सेवंथ पॉइंट जो है वो है पेशेंस। पेशेंस होना जरूरी है क्योंकि आप इन चीजों को पहले दिन से फॉलो करना स्टार्ट करोगे, आप बोलोगे यार रिजल्ट नहीं आया, मैंने सारी चीजें फॉलो की, मेरी एक सेल भी नहीं है। हो सकता है पहले दिन ना आए, दूसरे दिन भी ना आए, 10 दिन में भी नहीं आए। आप में पेशेंस नहीं होगा तो आपकी इसके लिए काबिल नहीं है। काबिल वही लोग होते हैं जिनमें पेशेंस होता है। ओके, जितने भी महान लोग हुए हैं, मैं गौतम बुद्ध की एक बात बताता हूँ, वो सबसे बड़े इसी के ऊपर बोलते हैं, उपदेश देते हैं पेशेंस के ऊपर। इफ यू हैव पेशेंस यू कैन विन द वर्ल्ड। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंसफुली सिंगल माइंड के साथ, ज्यादा दिमाग लगाने वाले ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, जो चीजों को फॉलो करते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। तो पेशेंसफुली चीजों को फॉलो करना है, रिजल्ट डेफिनेटली आपके कदम चूमने वाले हैं। और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ, मुझे भी बहुत खुशी होगी, हमारे सिस्टम को भी बहुत खुशी होगी। हम चाहते हैं ऐसे लोग क्रिएट हो जो 1 लाख रुपीज मंथली अर्न करें, जो रिकॉर्ड बनाए, जो 1 मिलियन हिट करें, ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। और मुझे वो शख्सियत आप में नजर आती है कि आपको आ रही है, आपको आ रही है तो डेफिनेटली एक्शन लेना स्टार्ट करिए, इन चीजों को कागज पे उतारिए और आज से फॉलो करना स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच।